अगला एग्जांपल है ट्रीटिंग करेक्टर एरे एज स्ट्रिंग, एक करेक्टर एरे है जिसको स्ट्रिंग के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं ये देखना है। तो हमने एक करेक्टर एरे, इस बार एक एरे डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग वन, जिसका डाटा टाइप है करेक्टर, जिसकी साइज ली है 20 एलिमेंट्स की। एक करेक्टर एक दूसरी एरे लिया है जिसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर नहीं लिखा है, स्ट्रिंग टू, और उसके इक्वल कोटेशन मार्क में लिख दिया है स्ट्रिंग लिटरल। तो करेक्टर एरे है उसका एक खास ये है कि उसको हम स्ट्रिंग, उसको हम डबल कोटेशन के अंदर भी दे सकते हैं, और फिर हम प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे ये पहला प्रिंट स्टेटमेंट है जो एक परसेंटेज है इससे एक एरे को प्रिंट करता है, तो ये यहाँ पर प्रिंट करेगा एंट्री स्ट्रिंग नो लॉन्गर देन 19 करेक्टर्स, ये ऐसा प्रिंट कर देगा। फिर हम स्कैन रीड करते हैं एक करेक्टर एरे को, तो ये एरे है, इस करेक्टर एरे है जिसका नाम स्ट्रिंग वन दे रखा है, उसको रीड करते हैं। तो स्कैन ऐप में रीड करेंगे, यहाँ पर एरे का नाम लिखने से पहले M% नहीं लगाएंगे। उसके बाद में हम दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं। एक और प्रिंट करने का मेथड हम काम में लेते हैं कि जो स्ट्रिंग वन है उसके एक एक एलिमेंट को विद सिंगल स्पेस प्रिंट करके देखते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और देन न्यू लाइन प्रिंट करते हैं। तो इसको कंपाइल करते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब यहाँ पर कोई हेलो नाम से हम एरे देते हैं, वाह ये तो सक्सेसफुली रन हो गया। मतलब यहाँ हमने हेलो दिया तो ये स्ट्रिंग वन है, जो स्ट्रिंग वन में हेलो स्टोर हो गया। देन स्ट्रिंग टू है उसमें स्ट्रिंग लिटरल वहाँ दिया हुआ था, स्ट्रिंग स्पेस लिटरल, और स्ट्रिंग वन है हेलो उसको अलग अलग करके करें तो एच ई ई एल ओ हर एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हम एक और टेस्ट करते हैं, यहाँ जैसे मैं इनपुट में देता हूँ सी प्रोग्रामिंग और आगे सी और लिख देता हूँ, ये क्या यहाँ पर जो स्पेस दिया, जो इनपुट दे रहे हैं उसमें यदि बीच में स्पेस दे दिया तो यहाँ स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, लेकिन स्ट्रिंग लिटरल वाली प्रोग्राम के अंदर कोटेशन में थी इसलिए उसमें स्पेस दे सकते हैं। मतलब हम इनपुट्स में कीबोर्ड से जो स्ट्रिंग देते हैं उसमें हम स्पेस दे देंगे या टैब दे देंगे या न्यू लाइन दबा देंगे, वो अलाउड नहीं होगा, मतलब उसके पहले तक ही स्ट्रिंग मानी जाएगी, उसके बाद वाली को स्ट्रिंग नहीं मान, इनपुट के रूप में नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ इस एग्जांपल में जो करेक्टर एरे लिया है उसको नॉर्मल एरे के रूप में हर एलिमेंट को अलग अलग दे दिया। यहाँ पर स्ट्रिंग एरे में हमें देखना होगा कि लास्ट में हमें एक नल करेक्टर देना है जो हम बैक स्लैश जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद में इस स्ट्रिंग को प्रिंट करके देख लेते हैं क्या स्ट्रिंग लिटरली प्रिंट कर रही है। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, यस ये स्ट्रिंग लिटरल ही प्रिंट कर रही है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये एग्जांपल है स्टैटिक एंड ऑटोमेटिक एरे का। तो यहाँ एक स्टैटिक एरे इंट और एक ऑटोमेटिक एरे इंट नाम के दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, प्रोटोटाइप हैं ये दोनों। उसके बाद मेन फंक्शन है उसके अंदर पहला कॉल एक फर्स्ट कॉल टू ईच फंक्शन, ये एक प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट, बाद में स्टैटिक एरे इंट को कॉल करते हैं देन ऑटोमेटिक एरे इंट को, बाद में एक प्रॉम्प्ट है सेकंड कॉल टू ईच फंक्शन, और बाद में स्टैटिक एरे और ऑटोमेटिक एरे को कॉल करते हैं। मतलब हम एक बार स्टैटिक एरे को कॉल कर रहे हैं देन ऑटोमेटिक एरे को, उसके बाद फिर स्टैटिक एरे को कॉल कर रहे हैं और बाद में ऑटोमेटिक एरे इंट को, ये दोनों फंक्शन से इनको बारी बारी हम कॉल कर रहे हैं। दोनों फंक्शन क्या हैं, तो पहले है स्टैटिक इन एरे इंट फंक्शन। तो इस फंक्शन में एक तीन साइज की एरे वन डिक्लेयर किया, और उस एरे वन है वो इंटीजर टाइप है, स्टैटिक इंटीजर टाइप है, स्टैटिक इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ओनली इंटीजर होता तो ये ऑटोमेटिक होता, ये स्टैटिक इंट है।
उसके सभी एलिमेंट्स को प्रिंट किया है। ये स्टैटिक एरे है इसलिए इनिशियली इनके इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, सबको प्रिंट कर लिया। देन फिर से प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन फिर से प्रिंट करने से पहले फिर से जब प्रिंट कर रहे हैं एरे के हर एलिमेंट को फाइव, हर एलिमेंट में फाइव ऐड भी कर रहे हैं। तो यहाँ हर एलिमेंट में फाइव ऐड हो रहा है और बाद में प्रिंट होगा। ऑटोमेटिक एरे क्या है? तो ये ऑटोमेटिक इन एरे इंट है, INIT है, उसमें एक ऑटोमेटिक एरे लिया है। मतलब जब एरे को डिक्लेयर करना है उससे पहले इंट लिखा है, स्टैटिक नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक एरे है। और इसमें एरे के सभी एलिमेंट्स को 1, 2, 3 ये वैल्यूज दिए हैं, मतलब जीरो एलिमेंट को 1, फर्स्ट एलिमेंट को 2 एंड सेकेंड एलिमेंट को 3 वैल्यू दिया। उसके बाद उस एरे के वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब 1, 2, 3 को प्रिंट कर रहे हैं। देन फिर से प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हर एलिमेंट में 5 के इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, पहला कॉल है उसमें तो सब कुछ इसी तरह से प्रिंट होगा, दूसरे कॉल में जब ये स्टैटिक इंट है उसमें वो इनिशियली 5 वैल्यू जो इंक्रीज करने के बाद हो गई वो वैल्यू लेगा, देन उनमें ऐड करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली में सब कुछ रिपीटेड होगा। चेक करते हैं कंपाइल एंड रन करके, ये सक्सेसफुली कंपाइल किया, देन ये रन किया। रन इसको जूम इन करके देख लेते हैं। हाँ तो ये पूरा आउटपुट है, ये पूरा आउटपुट है। और इस पूरे आउटपुट को यदि आप जूम करके देखें तो यहाँ से फर्स्ट कॉल टू ईच फंक्शन, ये तो प्रॉम्प्ट था, वैल्यूज ऑन एंटरिंग स्टैटिक एरे इंट एरे, स्टैटिक इंट एरे में पहला एलिमेंट जीरो, दूसरा एलिमेंट जीरो और तीसरा एलिमेंट जीरो, तीनों एलिमेंट जीरो हैं। और उसके बाद हर एलिमेंट में फाइव ऐड कर दिया था, तो पहला एलिमेंट भी फाइव हो गया, दूसरा एलिमेंट भी फाइव हो गया, देन तीसरा एलिमेंट भी फाइव हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक एरे को का प्रॉम के अंदर, ऑटोमेटिक एरे के अंदर तीनों एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 हैं, सब में 1, 1 ऐड करने पर पहला एलिमेंट 6 हो गया, दूसरा एलिमेंट 7 हो गया एंड तीसरा एलिमेंट 8 हो गया। उसके बाद में सेकंड कॉल है दोनों फंक्शंस को, उसमें पहले स्टैटिक इंट एरे को कॉल होता है, यहाँ पर ये जो पुरानी वैल्यू 5, 5, 5 थी वो तीनों वेरिएबल्स की रह जाती है, देन उनमें एक एक ऐड 5, 5 ऐड करते हैं तो तीनों की वैल्यूज 10 हो जाती है। देन दूसरा एरे है उसमें सब कुछ रिपीटेड है, पहले वैल्यू 1, 2, 3 देन 5 ऐड होके 6, 7, 8।